आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जहां पर क्लासरूम घोटाला, वहीं शराब घोटाला के बाद अब शौचालय घोटाला सामने आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। सर, इस नया शौचालय घोटाला को क्या है? देखिए, 50 करोड़ रुपये का ये घोटाला है। एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड होती है, डीबार की जाती है, उसको डीबार और ब्लैकलिस्ट करने वाले जो मंत्री हैं वो सिसोदिया जी हैं, लेकिन यही कंपनी उनकी चहेती और प्रेमी हो जाती है। यही आदमी पूरा दिल्ली का एक टेंडर ले लेता है और इसी कंपनी पे आरोप लगते हैं कि आपका रखरखाव ठीक नहीं है। दिल्ली के लगभग 725 शौचालय थे, जिसमें 23,000 से ज़्यादा शीट्स हैं जिनका रखरखाव ये करते थे। चारों की चारों कंपनियाँ डी बार ब्लैकलिस्टेड होती हैं। फिर नए लोग आते हैं, उनको 2 साल का टेंडर दिया जाता है, लेकिन उनके टेंडर को मंत्री जी 6 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर साईनाथ को बुला के कहते हैं कि तुम पूरी दिल्ली को खरीद लो। और जो 42 करोड़ का टेंडर था, वो लगभग 118 करोड़ रुपए में टेंडर दिया जाता है। इतना चहेता कैसे बन गया सिसोदिया का? कुछ तो दाल में काला है, अमाउंट का डिफरेंस है, टाइमिंग का डिफरेंस है, तो प्रश्न तो उठेंगे, जाँच होनी चाहिए, वही शिकायत की हमने। ये थे हमारे साथ अनिल प्रसाद, दिल्ली कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जिनका कहना है कि एक खास कंपनी को, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, वो भी जो टेंडर पहले 42 करोड़ का हुआ करता था, वो जो टेंडर है 118 करोड़ रुपये बढ़ाकर दे दिया जाता है। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।